हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिंप्यूट्रॉनिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर पॉइंट शॉर्टकट्स के बारे में। इस शॉर्टकट सीरीज की एमएस ऑफिस में मैंने वर्ड एक्सेल की डाली है, एक्सेल की दो पार्ट में है एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं पावर पॉइंट के शॉर्टकट्स। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं ये मैंने पावर पॉइंट की स्लाइड ऑलरेडी मैंने तैयार करके रखा है। तो सबसे पहला हमारा जो की है वो है कंट्रोल डी। बाकी 20 के और भी कीज हैं जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, बोल्ड, इटैलिक और कॉपी वगैरह वाले। तो हम यूज कर रहे हैं वैसे वाले शॉर्टकट कीज जो पहले हमने डिस्कस ना किया है और जो कॉमन नहीं है। तो इसमें कंट्रोल डी का हम यूज कर रहे हैं। आपको जिस किसी भी स्लाइड का डुप्लीकेट तैयार करना है यानी कि कॉपी करना है, सेम टू सेम उसी फाइल में उसी स्लाइड का डुप्लीकेट बन जाएगा। जैसे आप सपोज इस वाले स्लाइड को देख सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्टेड है। आप यहाँ आउटलाइन के एरिया में देखेंगे जहाँ स्लाइड सिलेक्शन होता है, यहाँ पे कंट्रोल उसको पहले क्लिक कर लेंगे या सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे भी आपको करना है, एंड देन कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड स्लाइड भी बिल्कुल सेम टू सेम उसका डुप्लीकेट तैयार हो गया। तो ये हो गया कंट्रोल डी। आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कंट्रोल जी ग्रुप करने के लिए। ये आप देख सकते हैं दो शेप्स हैं, इन दोनों शेप्स को हमें एक करना है। ये जैसे अलग अलग है, दोनों शेप अलग है, इनको ग्रुप करना है। तो पहले हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ये आप देख सकते हैं दोनों सेलेक्ट हो गए, और इसके बाद कंट्रोल के साथ जी प्रेस करते हैं। ये आप देख लीजिए ये ग्रुप हो गए दोनों। अब इसको आप ग्रुप के साथ ही आप जहाँ कहीं भी ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। अब है वापिस अनग्रुप करने के लिए। अनग्रुप कैसे करेंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और जी प्रेस करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं अनग्रुप हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, ये अलग ये अलग। इसके बाद है कंट्रोल एम। इसी फाइल में कोई न्यू स्लाइड चाहिए आपको तो कंट्रोल के साथ एम प्रेस कीजिए। ये आप देख सकते हैं नया स्लाइड इसमें आ गया। अब इसमें आपको जो कंटेंट करना है वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कंट्रोल टी, वो भी बता चुका हूँ मैं, ये आपके टेक्स्ट के लिए होता है। लेकिन आप टेक्स्ट को पहले क्लिक करेंगे एंड देन कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए आपका बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें आपको टेक्स्ट की स्टाइलिंग जो भी करनी है वो कर सकते हैं, साइज स्टाइल। इसके बाद आती है बात कंट्रोल शिफ्ट और सी। कॉपी होता है किसी शेप के फॉर्मेटिंग्स को, जैसे ये शेप है, इसकी फॉर्मेटिंग अगर किसी दूसरे शेप में कॉपी करनी हो तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन दोनों शेप अभी मैं देख रहा हूँ एक ही फॉर्मेट में है, एक का शेप का मैं फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ पहले। सपोज इसकी फिल जो है वो चेंज कर देता हूँ मैं, इसकी फिल मैं ये ले लिया। देन अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी प्रेस करते हैं। अब ये फॉर्मेट इसका कॉपी हो गया। देन सेकेंड पे आते हैं, दूसरे शेप पे, जिसमें कि हमें उस वाले फॉर्मेट को कॉपी करना है यानी पेस्ट करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड वी करेंगे, ये आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेट चेंज हो गया, जैसा फॉर्मेट इसका था वैसा ही फॉर्मेट दूसरे शेप का आ गया। इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट में एक कम्बिनेशन टैब की का भी है। कंट्रोल शिफ्ट और टैब अगर एक साथ प्रेस करते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड के लेआउट्स भी खुले हुए हैं एंड एक आउटलाइन टैब भी है। इन दोनों के बीच में मूव करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और टैब का एक साथ इस्तेमाल करना होगा। अब इसका यूज क्यों होता है वो आगे अभी आपको दिखेगा, मैं अभी फिलहाल ये दिखा देता हूँ इसका कम्बिनेशन कंट्रोल शिफ्ट एंड टैब। ये आप देख सकते हैं अभी आपका आउटलाइन खुल गया। इसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट और टैब वापस प्रेस करेंगे तो ये आपका स्लाइड खुल गया। तो आउटलाइन और स्लाइड के बीच में आपको मूव करना हो तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। आगे हैं कॉम्बिनेशंस कुछ जो कि अल्ट के साथ में है। अल्ट के साथ में मोस्टली कॉम्बिनेशंस जो यूज होते हैं वो यूज होते हैं ए रीवन, ये मेन्यूज जो है इसके बीच में मूवमेंट के लिए या किसी पर्टिकुलर मेन्यू ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए आप इनका यूज करते हैं। लाइक अल्ट एफ फाइल मेन्यूज के लिए, आपके जो भी अलग अलग हैं मेन्यू उसके अल्ट प्रेस करके आप देख सकते हैं। इसमें अल्ट प्रेस किया और ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग मेन्यू के अलग अलग हॉट कीज हैं। इन हॉट कीज को प्रेस करके आप उस पर्टिकुलर रिबन को ओपन कर सकते हैं उस मेन्यू का। जैसे एन प्रेस करते हैं तो इंसर्ट के सारे आप देख सकते हैं ये इस तरह से। अब इसमें भी जो हाइलाइटेड कीज हैं इन कीज को प्रेस करने से आपका वो एक्शन परफॉर्म होगा।
तो इस तरह से आप अल्ट के साथ में जो भी यूज़ करना हो आप यहाँ से देख के भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल में दे देता हूँ सिंपल, कि जैसे अल्ट के साथ एच एफ और ओ प्रेस करते हैं तो क्लिपबोर्ड ओपन हो जाता है। लाइक क्लिपबोर्ड क्या होता है, जो भी कट या कॉपी करते हैं वो क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर होता है एंड देन वही पेस्ट होता है पेस्ट के थ्रू। लेकिन क्लिपबोर्ड आपको कभी दिखता नहीं है, लेकिन मैं आज आपको देखने के लिए बता दे रहा हूँ। अल्ट एच एफ ओ, अल्ट प्रेस कीजिए, एच प्रेस कीजिए, एफ प्रेस कीजिए एंड देन ओ प्रेस कीजिए। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लिपबोर्ड आपका खुल गया है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे क्लिपबोर्ड दिख रहा लिखा हुआ है, ये क्लिपबोर्ड का बॉक्स ओपन हो गया। अब इसमें जो भी कॉपी आप करते हैं वो यहाँ पे आते जाता है। सपोज आप इसको कॉपी करते हैं, कॉपी, आप ये देख लीजिए यहाँ पे वो डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह से क्लिपबोर्ड में आता है एंड देन आप कहीं पेस्ट करते हैं तो यही वाला पेस्ट होता है। अभी इसमें एक ऑप्शन रहता है कि आपने जितनी बहुत सारी चीज़ें कॉपी करी है लेकिन पेस्ट कौन सा होता है, जो लास्ट वाला होता है वही, क्योंकि वही सिलेक्टेड होता है। इसमें क्या है, अभी आपका क्लिपबोर्ड ओपन हो गया तो आप इसको, इसमें जितने भी चीज़ें हैं उनमें से किसी को भी आपने कॉपी किया है, सपोज इसको कॉपी कर लेते हैं, तो आप चाहते हैं कि कोई और इंसर्ट हो, यानी कि पेस्ट जो है वो दूसरा कोई हो, मैं अभी लास्ट वाला नहीं बल्कि इस वाले को पेस्ट करना चाहता हूँ, आप क्लिक कर लीजिए, पेस्ट हो गया। तो इसका क्या वैल्यू है वो आपने देख लिया। इसी तरह से बाकी ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई शेप इंसर्ट करना है, कोई ड्रॉ करना है कुछ शेप, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे अल्ट एन एस एंड देन एच। आप ये देख सकते हैं शेप का बॉक्स ओपन हो गया। अब एरो की से आप इस पर मूव कर सकते हैं जहाँ भी जाना हो, जिस शेप को लेना हो। सपोज़ मान लिया कि आपने ये शेप, आप देख सकते हैं ये शेप सेलेक्टेड है, इस शेप को इंसर्ट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एंटर कर, ये आप देख सकते हैं वो शेप आपका आ गया। पावर पॉइंट में है तो ऑब्वियसली वर्ड आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वर्ड आर्ट भी दिखा देता हूं मैं। अल्ट एन और डब्ल्यू, ये देख लीजिए आप वर्ड आर्ट ले सकते हैं यहाँ से। आप वर्ड आर्ट में जो भी आपको सेलेक्ट करना हो फॉर्मेट, वो वर्ड आर्ट का फॉर्मेट यहाँ से ले लीजिए जो भी लेना है और एंटर कीजिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका वर्ड आर्ट आ गया एंड देन आप इसमें जो भी टेक्स्ट लेना चाहते हैं, लाइक जो भी, जैसे मैं यहाँ पे सिम्प्यूट्रॉनिक्स डाल देता हूँ। अब इस वर्ड आर्ट की फॉर्मेटिंग आपको जैसे भी करनी है वो कर लीजिए, जहाँ भी रखना है आप रख लीजिए। तो इस तरह से आप अल्ट की का कम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। एक और बता देता हूँ, अल्ट के साथ डब्ल्यू और क्यू यूज़ करते हैं आप, जूम का बॉक्स ओपन हो जाता है, आप इसमें से जो भी जूम साइज चूज करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। अल्ट के साथ F9 यूज़ करते हैं तो गाइड्स शो करता है। गाइड्स का यूज़ क्या होता है वो मैं बता देता हूँ अभी। अल्ट और F9, पहले तो गाइड शो करना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइड दिख रहा है, इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ जहाँ भी लाना हो। और एक नीचे ये भी गाइड है, इसको भी मैं ला सकता हूँ, यहाँ पर रख लिया। इस गाइड का यूज क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को एक परफेक्ट अलाइनमेंट में रखने के लिए हम गाइड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लिया कि ये गाइड हमने सेट किया है, इस फॉर्मेट में गाइड सेट किया, अब मुझे इसी के हिसाब से इन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने हैं। ये आप देख सकते हैं उसके हिसाब से अरेंज हो पा रहा है, मैं इसको यहाँ रखना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो ये गाइड्स का यूज है, गाइड्स का यहाँ पे। अब इसी तरह से आप गाइड्स को हटाना चाहते हैं तो आप वापस शिफ्ट के साथ में F9 प्रेस कर सकते हैं, या अल्ट के साथ F9 भी प्रेस करेंगे तो भी हाइड हो जाएगा। अल्ट F9 प्रेस किया, हाइड हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपको जो कि यहाँ पे सब कुछ अरेंज करना, सजाना और उसको प्रॉपर एनिमेशन देकर डिस्प्ले करना, यानी कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, इसके लिए आपको प्रॉपर उसको अरेंजमेंट करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपके पास गाइड्स का यूज जरूरी हो जाता है। बाकी आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉम्बिनेशन है अल्ट में शिफ्ट का। अल्ट में शिफ्ट का कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि आपको आउटलाइन, तो आउटलाइन में चलने के लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट और टैब में वापस जाना होगा। ये आप देख सकते हैं आउटलाइन हम लेके आ गए एंड देन यहाँ पे यूज होगा हमारा अल्ट के साथ शिफ्ट और एरो कीज का यूज करेंगे हम। इसका क्या यूज होता है मैं वो आपको दिखाता हूँ। सपोज अगर हम इस वाले पे क्लिक कर लेते हैं आउटलाइन में एंड देन अल्ट शिफ्ट लेफ्ट एरो, ये देख लीजिए ये एक नया आउटलाइन क्रिएट कर लिया और उसके हिसाब से ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, जैसे ही ये चेंज हुआ वैसे ही यहाँ पे भी देख सकते हैं आप एक अलग क्रिएट हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसकी आउटलाइन चेंज हो गई। तो हमने इसमें लेफ्ट एरो की प्रेस किया था अल्ट और शिफ्ट के साथ में, अभी राइट प्रेस करेंगे
ये वापस डिमोट हो जाएगा। अभी क्या हुआ, प्रोमोट हो गया, ये हेड बन गया, लेकिन डिमोट करेंगे फिर से वापस ये नॉर्मल आउटलाइन टेक्स्ट हो जाएगा। तो अल्ट के साथ शिफ्ट और राइट एरो वापस वहीं पे आ गया। अल्ट शिफ्ट के साथ अप एरो की एंड डाउन एरो की भी यूज कर सकते हैं टेक्स्ट, और उसका इफेक्ट आपके मेन स्लाइड में भी शो करता है, यानी कि जो इफेक्ट आपका वहां पे होता है आउटलाइन में, वही इफेक्ट आपका यहाँ पे शो भी करता है, यानी कि एक्चुअल इफेक्ट। इसके बाद है एक की ये है अल्ट शिफ्ट और वन, इससे सारे जितने भी आपके ये हेडिंग के टेक्स्ट हैं वो आउटलाइन टेक्स्ट जो हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। अल्ट शिफ्ट एंड वन, इससे कोलैप्स हो गया, एंड अल्ट शिफ्ट के साथ अगर 9 प्रेस करते हैं तो ये एक्सपैंड हो गया। इसके अलावा आप हम इसको स्लाइड शो करने के लिए क्या करेंगे, तो स्लाइड शो करने के लिए सबसे पहले हमें F5, केवल F5 प्रेस करना होगा, तो इससे क्या होगा, स्लाइड शो चालू हो जाएगा। अब स्लाइड शो में ढेर सारे कीज कॉम्बिनेशन है, वो मैं आपको अब धीरे धीरे बताऊंगा। पहला है N, केवल N प्रेस करना है स्लाइड शो में, लेकिन ये ध्यान रहे केवल स्लाइड शो के टाइम पे ही ये काम करेगा, इन कीज के बारे में जो बात कर रहा हूं मैं। तो ये आप यहां से N प्रेस करेंगे तो अगला एनिमेशन रन करेगा, ऐसे N प्रेस करते जाइए या फिर एंटर प्रेस करते जाइए तो ये वैसे होगा। इसी तरह से अगर आप P प्रेस करते हैं तो प्रीवियस एनिमेशन शो करता है, यानी अभी आप देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुका है, लेकिन P करेंगे तो पिछले स्लाइड पे जा रहा है, फिर से पिछले, अभी आप देख सकते हैं फर्स्ट स्लाइड पे आ गया, तो इस तरह से पीछे भी जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्लाइड पे सीधा यहाँ से एग्जीक्यूट करें, तो हम उसका नंबर प्रेस करके एंड देन एंटर की प्रेस करेंगे तो वो सीधे उस स्क्रीन तक जाएगा। जैसे हमें 5वें पेज पे जाना है तो हम प्रेस करेंगे 5 एंड एंटर, आप देख सकते हैं 5वां पेज है। इसी तरह से 9th पेज पे जाना है, 9 एंटर, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। और एक और है बी फॉर ब्लैक स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन जो है आपका वो डिस्प्ले ब्लैक हो जाएगा, आप देख सकते हैं व्हाइट स्क्रीन, वापस W प्रेस करेंगे, यानी कि अगर कुछ इनअप्रोप्रिएट स्क्रीन पे आ जाता है तो उस सिचुएशन में आपको ब्लैकआउट करने के लिए बी प्रेस करके आप उसको ब्लैकआउट कर सकते हैं। इसी तरह से कभी देखते होंगे कि इसमें तो अभी फिलहाल हमारा ऑटोमेटिक नहीं है, कोई भी हमने एनिमेशन ऑटोमेटिक नहीं किया है, लेकिन अगर ऑटो एनिमेशन होता तो उस एनिमेशन को अगर रन कर रहा है और उसको मुझे स्टॉप करना होगा तो एस प्रेस करेंगे। किसी में भी ऑटो एनिमेशन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि मुझे शो करना था इसलिए मैं ऑटो एनिमेशन नहीं दिया था, बट अगर आप ऑटो एनिमेशन पे काम कर रहे हैं, यानी सारे एनिमेशन अपने आप रन कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप एस प्रेस करेंगे तो वो मिड एनिमेशन में ही स्टॉप हो जाएगा, यानी रुक जाएगा आपका स्क्रीन। और एस्केप आप पहले से जानते होंगे, एस्केप करने से बाहर आ जाता है। अब कुछ कॉम्बिनेशंस इसमें ऐसे हैं कि शिफ्ट के साथ, जैसे F5 प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ, तो जहाँ करंट स्लाइड होता है वहीं से स्लाइड शो शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं अभी ये 19th नंबर स्लाइड पे है, मैं 20th स्लाइड पे चला गया, यहाँ से आप देख सकते हैं 20th स्लाइड पे है। अब मैं शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करूँ तो ये क्या करेगा, इसी पर्टिकुलर स्लाइड से स्लाइड शो होना शुरू हो जाएगा, ये आप देखिए शिफ्ट F5 प्रेस किया एंड ये जिस स्लाइड पे हमारा था पहले से हम काम कर रहे थे वहीं से स्लाइड शो शुरू हो गया, एंड अगर यहां से मैं N या एंटर प्रेस करूंगा तो वहां से आगे की तरफ जा रहा है, ऊपर में लिखा हुआ भी आ रहा है यहां पे एंड ऑफ स्लाइड शो क्लिक टू एग्जिट, तो यहां से ये बाहर आ गया क्योंकि स्लाइड शो खत्म हो गया। एंड नेक्स्ट है शिफ्ट F10, कहीं पे आप हैं उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करने के लिए है। सपोज अगर आप यहाँ पे हैं, कोई एक टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है, अगर इस पर शिफ्ट F10 प्रेस करते हैं तो इसका मेन्यू ओपन करेगा टेक्स्ट बॉक्स का, ये आप टेक्स्ट बॉक्स का मेन्यू देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो, कीप वॉचिंग एंड शेयर लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, थैंक यू वेरी मच।